दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे YouTube रेड के बारे में कि YouTube रेड क्या होता है और इससे आपके अर्निंग पर कैसे असर पड़ सकता है अगर आपका मोनेटाइजेशन इनेबल है तो। तो दोस्तों, चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, नहीं तो आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, YouTube रेड कोई भी एप्लीकेशन नहीं है YouTube की तरह, ना ही कोई वेबसाइट है। दोस्तों, YouTube रेड एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है। जैसा कि दोस्तों आपने YouTube पर देखा होगा, बहुत सारी सर्विसेज मिलती रहती हैं व्यूअर्स को भी और यूट्यूबर्स को भी। तो दोस्तों, YouTube रेड भी एक सर्विस है। दोस्तों, ये जो सर्विस है ये व्यूअर्स को दी जाती है। और दोस्तों, ये जो सर्विस है ये अभी इंडिया में यहाँ पर लॉन्च नहीं हुई है, ये सिर्फ UK और USA, कैनेडा वगैरह दूसरी कंट्रीज़ में, यानी कि बाहर की कंट्रीज़ में अभी आई है। दोस्तों, अगर कोई भी व्यूअर इस सर्विस को ले लेता है और वो इस सर्विस को लेने के बाद यूट्यूब चलाता है तो वहाँ पर उसको कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलता किसी भी तरह की वीडियोस पर, चाहे उसके ऊपर मोनेटाइजेशन इनेबल हो चाहे नहीं हो, उसको किसी भी तरह का कोई भी ऐड वहाँ पर देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, यहाँ पर व्यूअर को देने पड़ते हैं $10 पर मंथ, और उसके बाद वो उसी जीमेल आईडी से, जिस जीमेल आईडी से उसने वो सर्विस ली है, अपनी यूट्यूब को यूज़ करता है तो वहाँ पर उसको उसके बदले कोई भी ऐड वीडियो पर देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पसंद नहीं होता यूट्यूब पर एड्स देखना, तो यहाँ पर ये सर्विस जो है उनके लिए फ़ायदेमंद होती है। दोस्तों, यहाँ पर उनको देने होते हैं $10 पर मंथ यूट्यूब को, और उसके बदले वहाँ पर उनको कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलता है यूट्यूब पर। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि YouTube रेड से आपकी अर्निंग पर कैसे फ़र्क पड़ सकता है, यानी कि असर पड़ सकता है। दोस्तों, मान लीजिए आपकी वीडियोस फॉरेन कंट्रीज़ में देखी जाती हैं, जैसे USA, कनाडा या UK, जहां पर भी YouTube रेड की सर्विस अवेलेबल है। तो वहां पर अगर कोई ऐसा बंदा आपकी वीडियोस देखता है जिसने YouTube रेड की सर्विस ले ली है, तो वहाँ पर उस बंदे को आपकी वीडियो पर ऐड देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इससे थोड़ा सा आपकी अर्निंग पर असर पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर उसको आपकी वीडियो पर ऐड देखने को नहीं मिला तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलेंगे। दोस्तों, मान लीजिए आपकी और मेरी वीडियो ऐसी कंट्रीज में देखी जाती हैं जहाँ पर YouTube रेड की सर्विस अवेलेबल है, और ऐसे बंदे ने देखी है जिसने YouTube रेड की सर्विस ली हुई है, तो उस बंदे ने क्या करा है, $10 दिए हैं YouTube को, तो आपकी और मेरी वीडियोस उस बंदे ने देखी तो वहाँ पर उसको ऐड देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि उसने YouTube रेड की सर्विस ली हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर YouTube क्या करेगा, YouTube ने जो $10 लिए हुए हैं उस बंदे से, उसमें से 45% वो खुद रख लेगा। और दोस्तों, उसके बाद YouTube देखेगा कि आपकी या मेरी वीडियोस में से किसकी वीडियो पर वॉच टाइम ज़्यादा है, तो फिर जो 55% का हिस्सा YouTube के पास बचा है उसमें से वो वॉच टाइम के हिसाब से पैसे बांट देगा, यानी कि जिसकी वीडियो पर ज़्यादा वॉच टाइम उसको ज़्यादा पैसे दे देगा और जिसकी वीडियो पर कम वॉच टाइम उसको कम पैसे दे देगा। तो दोस्तों, इस तरह से YouTube जो है YouTube रेड की अर्निंग में से लोगों को बांटता है, जिन लोगों की वीडियो फॉरेन कंट्रीज़ में देखी गई है और जिस बंदे ने देखी है उसने अगर YouTube रेड की सर्विस ले ली थी तो। तो दोस्तों, YouTube रेड से आपकी अर्निंग पर तभी असर पड़ सकता है जब आपकी जो वीडियोस हैं फॉरेन कंट्रीज़ में देखी जा रही हो और ऐसा बंदा उनको देख रहा हो जिसने जो है YouTube रेड की सर्विस ली हुई हो, नहीं तो दोस्तों इससे आपकी अर्निंग पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दोस्तों, यहाँ पर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर अभी YouTube रेड की सर्विस नहीं आई है, लेकिन YouTube के SEO ने कहा है कि 2018 के सितंबर तक यहाँ पर भी YouTube रेड की सर्विस आ जाएगी। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि YouTube रेड क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दोस्तों सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, नहीं तो आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।